नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि फाइनली आपका रेलवे की तरफ से एक और नई भर्ती RRB जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग यहां पे जो फुल नोटिफिकेशन है आज की डेट में यहां पे पब्लिक कर दिया गया है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपका जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, जितनी वैकेंसी का टेबल आया है, डेटा जारी किया गया है जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, वो सारा का सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और किस जोन में कितनी कितनी सीटें यहां पे रिलीज की गई है, चाहे हम डीएमएस पोस्ट का बात कर ले, सीएमए का बात कर ले, या फिर जूनियर इंजीनियर का बात कर ले, सारा डिटेल आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग आवेदन करोगे या फिर आवेदन करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किस RRB के अंतर्गत आपका, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, डीएमएस हो, सीएमए हो, वहां की कितनी कितनी वैकेंसी जो है रिलीज की गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कॉन्स्टेबल, तमाम तरह के जो भी रेलवे भर्तियां यहाँ पे आ रही है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ये आपका मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1996 से लेकर जितने भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग में भी है, जो आपका सॉल्व ईयर, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है, 8700 से ज़्यादा इसमें भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार आपका रेलवे का ऑल एग्जाम करके 2024 एडिशन किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व पेपर है, जिसमें 3790 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के रिसेंट एग्जाम हुए, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोगों को पता है कि RRB JEE का यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है और बहुत जल्द इसका आवेदन होना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप RRB JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से फर्स्ट स्टेज CVT के लिए सॉल्ट पेपर 34 सेट यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें 2019 में जितने भी एग्जाम हुए थे RRB JEE का शिफ्ट वाइज में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEA नंबर 3/2024 के डेट में। वहीं अगर बात करेंगे इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 30 जुलाई 2024 के डेट से शुरू हो जाएगा और 29 अगस्त 2024 तक भारत के संपूर्ण छात्र इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी जो है यहाँ पे दो कैटेगराइज करके यहाँ पे निकाला गया है। सबसे पहले आपका लेवल 7 का जॉब आता है, उसके बाद लेवल 6 का जॉब आता है। लेवल 7 में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 17 पोस्ट ही निकाला गया है, परंतु लेवल 6 में बात करेंगे तो 7934 वैकेंसी निकाला गया है। टोटल यहाँ पे 7951 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं कि किस RRB के अंतर्गत कितनी वैकेंसी निकाला गया है, प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत कितनी वैकेंसी निकाला गया है। तो अभी हम वैकेंसी सेक्शन वाले टेबल पे आ गए हैं, जहां पे आपका RRB वाइज, रेलवे PU वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका कैटेगरी नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट, रेलवे जो आपका जोन आएगा वो, उसके बाद आपका एक कैटेगरी आपका शो होगा और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका RRB अहमदाबाद आता है, तो RRB अहमदाबाद के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी नंबर देख लीजिए, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 28, 30 और 32, ये सारा कैटेगरी का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा, इंजीनियरिंग का भी रहेगा, मैकेनिकल का रहेगा और SNT और स्टोर का भी रहेगा। सभी वैकेंसी को देखें तो RRB अहमदाबाद के अंतर्गत टोटल यहाँ पे जो है 382 सीटों पर वैकेंसी रिलीज किया गया, कितना 382 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। वही नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने आता है RRB अजमेर। RRB अजमेर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल का सीट है, इंजीनियरिंग का सीट है और आपका मैकेनिकल्स का सीट है। यहाँ पे आपका SNT के रिगार्डिंग अपडेट है कि नहीं देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको SNT का पोस्ट भी देखने को मिलेगा और मैकेनिकल का भी देखने को मिलेगा। देखिए SNT का है, स्टोर का है, मतलब टोटल यहाँ पे 32 तरह का आपका पोस्ट जो है देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर इसमें टोटल वैकेंसी देखेंगे तो आपका RRB अजमेर में 539 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉरी
529 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आरआरबी बेंगलुरु में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सीटें हैं, मैकेनिकल में भी है, एसएनटी और स्टोर में भी है। टोटल यहाँ पे आपका 397 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है बेंगलुरु के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है आरआरबी भोपाल। भोपाल में बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी अच्छा खासा सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी ठीक ठाक सीट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी आपका जो सीटों का संख्या हो वो लमसम आपका एवरेज देखने को मिल रहा। उसके बाद यहाँ पे आता है एसएनटी और स्टोर, सभी वैकेंसी को मिला लिया जाए तो आपका यहाँ पे 485 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कौन सा जोन था, तो ये आपका आरआरबी भोपाल था। उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर में बात करते हैं तो भुवनेश्वर में देख लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल का बहुत ही कम पोस्ट है यहाँ पे, उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, देन आपका मैकेनिकल का है, उसके बाद एसएनटी का है। टोटल यहाँ पे 175 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है आरआरबी भुवनेश्वर के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे सामने आता है आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रिकल का भी सीट जो है ठीक ठाक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी जो सीट है वो भी आपका ठीक ठाक है यहाँ पे। उसके बाद मैकेनिकल के अंतर्गत बात करते हैं तो मैकेनिकल का जो सीटों का संख्या एवरेज देखने को मिल रहा, और एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो उसका भी संख्या आपको एवरेज देखने को मिल रहा, 472 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया बिलासपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर देखेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिकल का आपका एवरेज सीटों का संख्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सीटों का संख्या यहां पे कम देखने को मिल रहा, परंतु यहां पे आपका मैकेनिकल में अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल में भी आपका एवरेज सीट का संख्या है, एसएनटी में आपका बहुत कम ही पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया है, 356 पोस्ट पर यहां पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है आरआरबी चेन्नई। चेन्नई में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल का अच्छा खासा पोस्ट है, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, देन आपका मैकेनिकल आता है, और वहीं अगर लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल में बहुत सारे पोस्ट को इस बार इसमें कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एसएनटी आता है और स्टोर आता है। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 652 सीटों को यहाँ पे जगह दिया गया है, मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपका देखने को मिल रहा है 652 चेन्नई के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे सामने आता है गोरखपुर। गोरखपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल सेक्शन दिया गया है सबसे पहले, जो आपका आरडीएसओ के अंतर्गत आता है, आरएनडी इसका सब डिपार्टमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का है, और इलेक्ट्रिकल का उसके बाद जो सब डिपार्टमेंट है आपको ईएमयू और टीआरएस सब डिपार्टमेंट इसका देखने को मिलेगा, और जो जोन आएगा वो आपका एनईआर गोरखपुर के अंतर्गत आएगा। और अगर इसमें बात किया जाए तो लगभग इसमें सभी डिपार्टमेंट और सभी ब्रांचेज वाले को इसमें कवर किया गया है। वहीं अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो इसमें इतने सारे पोस्ट को डिपार्टमेंट को कवर करने के बाद भी वैकेंसी मात्र यहाँ पे 259 वैकेंसी ही देखने को मिल रही है गोरखपुर के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में देख लीजिए आपका ये सारा इलेक्ट्रिकल का सेक्शन हो गया, ये आपका इंजीनियरिंग का सेक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये सारा मैकेनिकल और ये एसएनटी और ये स्टोर, टोटल यहाँ पे 225 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट जम्मू और श्रीनगर, इसमें अगर बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल का दिया गया है, इंजीनियरिंग का कुछ ही डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, और मैकेनिकल का अच्छा खासा डिपार्टमेंट को यहाँ पे कवर कर दिया गया है, परंतु नंबर ऑफ सीट आप जो देखिएगा बहुत एवरेज से भी कम आपको देखने को मिल रहा, एसएनटी में भी आपको ना के बराबर पोस्ट है और स्टोर में भी आपको बहुत कम पोस्ट देखने को मिल रहा, 251 सीटों पर इसमें वैकेंसी निकाला गया श्रीनगर से। नेक्स्ट हमारे सामने आता है आरआरबी कोलकाता। कोलकाता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल का आता है प्रोडक्शन यूनिट से और आरएनडी सब डिपार्टमेंट से, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी ठीक ठाक यहां पे वैकेंसी देखने को मिल रहा, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी एकदम एवरेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैकेनिकल में अगर बात कर लिया जाए तो मैकेनिकल में आपका टोटल यहां पे एवरेज वैकेंसी कहीं का एवरेज तो कहीं का बिलो एवरेज देखने को मिल रहा है। एसएनटी में बात किया जाए तो ना के बराबर वैकेंसी एसएनटी डिपार्टमेंट में दिया गया है, और स्टोर में अगर देखा जाए तो स्टोर में ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब 660 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और अभी तक सबसे पहला नंबर में आपका आरआरबी कोलकाता रहा जिसमें 660 वैकेंसी देखने को मिल रहा। मालदा में अगर बात किया जाए तो मालदा में आपका देख लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ना के बराबर वैकेंसी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी उतना अच्छा खासा वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है, और वहीं अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर बात कर लिया जाए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बिलो वैकेंसी देखने को मिल रहा, मात्र 163 पोस्ट पर मालदा में वैकेंसी देखने को मिल रहा 163। चलिए मुंबई की ओर बढ़ते हैं, और आरआरबी मुंबई में अगर बात किया जाए तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल का मोस्ट ऑफ द पोस्ट को कवर किया गया है, चाहे आपका वो डिज़ाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट का हो या फिर आपका जनरल सर्विसेज का हो, ईएमयू का हो, मोस्ट ऑफ द इसमें आपका डिपार्टमेंट को कवर किया गया है।
अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो आपका इंजीनियरिंग में ठीक ठाक एवरेज वैकेंसी देखने को मिल रहा, और अगर मैकेनिकल में अगर देखते हैं तो इसमें आपका मैकेनिकल में बिलो वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी ये सारा मैकेनिकल का है जो बहुत ही बिलो वैकेंसी देखने को मिल रहा। SNT में भी ठीक ठाक वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। और बात किया जाए अगर यहाँ पे स्टोर का, तो स्टोर में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 1377 पोस्ट अभी तक रिलीज किया गया है RRB मुंबई में, ठीक है। तो अभी तक देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपका RRB मुंबई में ही देखने को मिल रहा। 1377 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी का जो डाटा है वो रिलीज किया गया है मुंबई के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में मात्र यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही जो पोस्ट है अलाउट किया गया है, जूनियर इंजीनियर का हो गया, जिसमें PVA आते हैं जो ब्रिज वगैरह का जिसमें काम होता है, या फिर अगर बात करेंगे तो आपका सिविल डिजाइन ड्राइंग का एस्टिमेशन का आता है, उसके बाद सिविल वर्कशॉप रिसर्च का जो जितना पोस्ट है सिविल के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत वो सारा इसमें देखने को मिल जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। टोटल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में सिर्फ और सिर्फ 11 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। RRB पटना का बात करें तो RRB पटना में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 247 देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रयागराज में चलते हैं, तो प्रयागराज में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छा खासा उम्मीद है कि इस बार देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 404 वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है पटना के अंतर्गत। वहीं रांची का बात करें तो रांची में भी आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लिया गया है, EMU और जनरल सर्विसेज का जो होता है इलेक्ट्रिकल का जितना भी होता है TRD डिपार्टमेंट का, उसके बाद यहां पे सिविल डिजाइन ड्राइंग का एस्टिमेशन का हो गया, PVA जो ब्रिज का काम होता है वो सिविल से इंजीनियरिंग से सारा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और डिजाइन मैनेजमेंट का जितना काम है वो सारा इसमें दिया गया है, और इन सभी को लेकर यहाँ पे 167 वैकेंसी RRB रांची के अंतर्गत यहाँ पे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं RRB सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद के अंतर्गत अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल का एवरेज वैकेंसी है, और इंजीनियरिंग में भी आपका अच्छा खासा वैकेंसी जो है एवरेज वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर बात कर लिया जाए तो आपका यहाँ पे एवरेज वैकेंसी है, और SNT में भी आपका एवरेज वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो 590 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया सिकंदराबाद की तरफ से। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में सिर्फ और सिर्फ 28 सीटें हैं, और यहाँ पे अगर बात किया जाए लास्ट हमारा तिरुवनंतपुरम, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत, वो आपका 121 वैकेंसी देखने को मिल रहा। तो ये पूरा आपका जितने भी RRB थे सभी RRB का जो ऑफिशियल वैकेंसी टेबल था, वैकेंसी डेटा था, वो हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर किस रेलवे जोन के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी और किस डिपार्टमेंट की कितनी कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही थी, जिसमें सबसे पहला जो टॉप लेवल पे है वो आपका है RRB मुंबई। अगर RRB मुंबई में देखा जाए तो आपका 1300 समथिंग कुछ वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है, जैसा कि आप से देख सकते हो कि RRB मुंबई में अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। देखिए 1377 सीट अकेला सिर्फ और सिर्फ RRB मुंबई के अंतर्गत रिलीज किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप ऐसे 5 जोन कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और टॉप ऐसे 5 जोन कौन सा है जिसमें सबसे कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे का सबसे फास्ट लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।